नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पूरा वीडियो को देख लीजिए। तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या अगर आपसे इससे बेनिफिटेड होते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो देखिए, आज हम जो है MI के पावर बैंक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि पहले नहीं और ये न्यू नहीं है बट ये ओल्ड है। तो इसका ओल्ड रिव्यू हम आज करने वाले हैं। जब भी जो पावर बैंक होता है हम लोग नए लेते हैं, नए लेने के बाद उसका परफॉर्मेंस कैसा होता है ये काफ़ी दिनों की यूज़ करने के बाद ही पता चलता है। तो मेरा जो ये पावर बैंक है, इसे मैंने 9 मंथ्स पहले, 9 महीने पहले जो इसे ऑर्डर किया था, और 9 महीने चलाने के बाद जो है मैं आज इसका रिव्यू देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एकदम लास्ट तक देखिएगा, और इसमें मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है न्यू एंड ओल्ड, सॉरी, जो आप अपना जो डुप्लीकेट एंड जो भी ओरिजिनल MI पावर बैंक है उसको कैसे डिफर कर सकते हैं और कैसे उसको आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एकदम लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड जो है और दो वीडियो है इसका, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। इसका जो न्यू रिव्यू मैंने दिया है और इसमें यह भी बताया है कि इसका जो ऑन ऑफ का जो सिस्टम है उसको आप कैसे कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर इसके एक नॉर्मल क्विक रिव्यू कर लेते हैं तो ये जो हमारा पावर बैंक है ये 10,000 mAh का है। ठीक है, ये 10,000 mAh का जो पावर बैंक है, तो इसे आप जो है नॉर्मली 2 बार मोबाइल को आप चार्ज कर सकते हैं। अगर 3,000 mAh की अगर बैटरी होती है तो उसको 2 बार चार्ज कर सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा 4,000 mAh की होती है तो उसको आप एक बार फुल चार्ज कर सकते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा चार्ज होता है, मतलब 50% तक सेकेंड टाइम पर चला जाता है। इसमें जो है आपको 2 USB स्लॉट्स मिल रहे हैं, यानी कि आप एक साथ इसको दो बार मोबाइल को इसको चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट है और ये 4 लाइट इंडिकेटर्स है। ठीक है, और ये हमारा पावर ऑन ऑफ बटन है। पावर ऑन ऑफ बटन सिर्फ इसलिए है कि जस्ट आप इसको जो है क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लाइटिंग का जो है बिप्स दिखलाएगा, मगर आप जो है इसे डायरेक्ट अगर चार्ज में प्लग इन करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो लाइटिंग जो है ये ऑन हो जाता है। पर देखिए, जैसे मैंने अभी इसे फुल चार्ज कर लिया है तो फुल चार्ज करने के बाद जो है यहाँ पे 4 पॉइंट्स जो है दिख रहा है, मगर अभी क्या हुआ है कि कुछ 9 मंथ्स यूज़ करने के बाद अभी मेरा ऐसा होता है कि जब मैं इसे फुल चार्ज करके अभी छोड़ दे रहा हूँ, जैसे मैंने इसे अभी कुछ देर के लिए रख दिया और उसके बाद जब मैं इसे ऑन करके देखता हूँ तो यहाँ पर एक जो है इसका पावर ब्लिंक जो है घट जाता है, मतलब टोटल यहाँ पे जो है 3 ही पॉइंट बच जाते हैं। देखिए कि जैसे यहाँ पे अभी अब 3 ही जल रहा है, 1 मिनट, ये देखिए 3 ही लाइट जल रहा है, और ये जो लास्ट वाला पावर ब्लिंक है ये पावर ब्लिंक जो है आपको अभी दिखाई नहीं देगा, ये देखिए। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ जो है 3 ही लाइट ब्लिंक कर रहे हैं, ये देखिए 3, ये तो इसका जो है ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस में MI की तरफ से अपसेट टाइप लगा, जैसे कि 1 साल भी नहीं हुआ है बट इसका ये सिस्टम है। और चार्ज करने के बाद है तो मेरे ये जो Y1 है जिससे कि मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो उसमें मोबाइल में एक बार फुल्ली चार्ज कर सकता हूँ, और दूसरा चार्ज करते समय में जो 60 से 70% तक चार्ज ही आता है। तो ऑल ओवर जो है ये ठीक है। और इसकी जो है हम ओरिजिनल और डुप्लीकेट की बात करते हैं, तो ओरिजिनल में हमेशा याद रखेगा कि जो भी MI के साइजेस है, ओरिजिनल जो है आपको बहुत ये लंबा साइज में मिलेगा, और जो डुप्लीकेट है वो मैक्सिमम ये साइज का हाफ साइज का आता है। और इसमें सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे MI का जो लिखा हुआ लोगो है उसको आप यहाँ पे टच करने से फील होगा कि इसमें एक थोड़ा गड्ढापन आता है, जिसमें पता चलता है कि थोड़ा सा ये नीचे की तरफ यहाँ पे ये गड्ढा है। सेकेंड है कि इसके बॉटम्स में टोटल डिस्क्रिप्शन जो भी लिखा रहता है, इसके डिस्क्रिप्शन डिटेल्स, इसको आप जब टच करेंगे तो ये थोड़ा सा उबड़ा हुआ आपको फील होगा, जैसे कि आप इसको टच को इसको आराम इसको टच के फील कर पाएंगे, तो इससे जो पता चलता है डुप्लीकेट में ये चीज़ नहीं होता है। और इसके पीछे की तरफ जो है नीचे में आपको एक लोगो सीरियल नंबर करके जो है मिल रहा है, जिससे ये इसके ओरिजिनल होने का भी पता चलता है, जहाँ पे एक MI.com बोल करके नीचे एक सीरियल लिखा रहता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिससे इसको आप डुप्लीकेट और इसके ओरिजिनल में आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं।